नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। गुजरात में नरेंद्र मोदी के पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की झाड़ू यात्रा को रोका और देखते देखते दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तूफान खड़ा कर दिया। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केजरीवाल को कुछ देर रोके जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर धावा बोल दिया। धावा ऐसा जिसे कहीं से भी विरोध प्रदर्शन का तरीका नहीं कहा जा सकता। काफी देर तक नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई। एक तरफ केजरीवाल के उग्र कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी दफ्तर परिसर में मौजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। दोनों तरफ से जमकर हंगामा हुआ। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे दिल्ली के एक इलाके को अराजकता ने हाईजैक कर लिया हो। किसी तरफ पानी की बौछारों और पुलिस की दखलंदाजी से मामला थोड़ा काबू में आया, लेकिन केजरीवाल की उग्र फौज किसी भी सूरत में टकराव टालने के लिए तैयार नहीं दिखी। दिल्ली में जिस ढंग से आपके कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जवाब में बीजेपी के दफ्तर से भी कुर्सियां और ईंट पत्थर फेंके गए। अगर वहां कोई अप्रिय घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? राजनीति का ये कौन सा तरीका है और क्या इसे किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय पर धावा बोलना जायज है? मोदी से टकराने का ये कौन सा तरीका है और कहीं ये केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? और क्या आज केजरीवाल ने अपनी झाड़ू यात्रा के दौरान कानून तोड़ा? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आज गुजरात से दिल्ली तक क्या क्या हुआ। नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल के अनगिनत छिद्रों पर चुनावी शोध को निकले अरविंद केजरीवाल को गुजरात पुलिस ने बीच रास्ते में रोक क्या दिया। आम आदमी पार्टी की फौज ने दिल्ली में आसमान सिर पर उठा लिया। पूरे लाओ लश्कर के साथ निकले केजरीवाल के सिपाहियों ने बीजेपी दफ्तर पर धावा बोल दिया। केजरीवाल के सिपाही गेट पर चढ़ गए, पत्थर चले, हाथापाई हुई, मुकाबला बराबरी का था। मोदी की फौज भी उसी तरीके से जवाब देने के लिए मैदान में उतर। सियासी आक्रामकता की इन तस्वीरों को देख ऐसा लगा जैसे दिल्ली के एक कोने को फिर से अराजकता ने बंधक बना लिया। वाटर कैनन और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अशोक रोड पर पूरी तरीके से, चाहे बीजेपी दफ्तर की तरफ आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को कोशिश किया जा रहा है शांत करने की, और दूसरी तरफ आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता है ये भी अशोक रोड पर ही बैठे हुए हैं। गुस्सा मोदी की पुलिस पर था। कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए नरेंद्र मोदी के गढ़ में अपनी धमक के एहसास का इरादा लेकर जिस वक्त आम आदमी पार्टी के सेनापति अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, उसके ठीक बाद ही 2014 के चुनावी महासमर का ऐलान हो गया। हवाई अड्डे के बाहर केजरीवाल की सेना खड़ी थी, हाथ में फूल मालाएं झाड़ू लिए, खुली जीप से हाथ हिलाया अरविंद ने और काफिला आगे बढ़ गया पाटन के एक गांव की ओर, जहां चौपाल लगाकर बैठ गए केजरीवाल। अभी पाटन इलाके से ये चार दिवसीय झाड़ू यात्रा बढ़ी ही थी कि अरविंद के आसमानी इरादों पर ब्रेक लगाने के लिए गुजरात पुलिस आ गई। बीच सड़क पर टोकाटोकी हुई, कहा सुनी हुई। मोदी की पुलिस केजरीवाल को कानून सिखा रही थी और केजरीवाल मोदी की पुलिस को धाराओं और अनुच्छेदों का अध्ययन करा रहे थे। लोकेशन नहीं है, बताइए कानून, बताइए मेरे को भी मॉडल कॉल ऑफ होता है, बताओ मेरे को भी मॉडल कॉल ऑफ होता है, बताओ मेरे को मॉडल कॉल ऑफ करना है। आप प्रदर्शन मत करिए, ये प्रदर्शन नहीं, हम चलेंगे, आप गिरफ्तार करेंगे, हमें गिरफ्तार करेंगे। तभी खबर आई कि केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया। ऐसा कुछ मैंने समझा दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन, वो मान गए। तो क्या क्या लगता है किसके आदेश पे ऐसा हुआ है? मोदी जी के आदेश पे। हालांकि पाटन पुलिस ने फौरन इसका खंडन भी कर दिया, लेकिन केजरीवाल के मंसूबों के रास्ते में मोदी की पुलिस का यूं खड़ा होना आम आदमी पार्टी को अखर गया। केजरीवाल के दूतों ने पैगाम भेजा कि मोदी उनकी झाड़ू यात्रा से डर गए। दलील दी कि ये तो अरविंद का प्राइवेट स्टडी टूर था, फिर इसमें कानून का उल्लंघन कैसे हो गया? तो स्टडी टूर के लिए गए थे देखने के लिए कि भाई गुजरात का जो डेवलपमेंट मॉडल जिनकी मोदी बात करते हैं इसकी सच्चाई क्या है।
झाड़ू यात्रा को प्राइवेट स्टडी टूर बताने की हकीकत इन तस्वीरों में भी छिपी है। जब अपनी चौपाल में केजरीवाल एक इंस्पेक्टर की तरह मोदी की पोल खोल रहे थे, सामने खड़े किसानों की आवाज को दिल्ली और अहमदाबाद तक पहुंचाकर खुद चुनावी पैगाम दे रहे थे। देखने के लिए आया था, सुनने के लिए आया था। एक ही बात है, जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे देश के लोग, तब तक ये बीजेपी और कांग्रेस वाले हमको देंगे। अगर ऐसे बयान स्टडी टूर का हिस्सा है तो फिर बहस ही बेमानी है। लेकिन केजरीवाल के इस सियासी संबोधन की सीधी तस्वीरें टेलीविजन पर प्रसारित हुई और आचार संहिता का सवाल खड़ा हो गया। इससे पहले कि बीजेपी कुछ बोलती, मोदी के कट्टर सियासी दुश्मनों की हमदर्दी केजरीवाल के साथ आ गई। मोदी विरोधी बोल पड़े कि ये तो गनीमत थी कि केजरीवाल को सिर्फ रोका गया, बस चलता तो गोली ही मार देते। तो अरेस्ट किया है तो गनीमत है कि उनको अरेस्ट ही किया है। नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए वहां के अधिकारी तो निर्दोष लड़के लड़कियों को गोली तक मार देते हैं। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर डिक्टेटरशिप कहीं देखनी है तो वो गुजरात में जाके देखी जा सकती है। इस तरह का जो बकवास मंडली है और ऐसी पार्टी या ऐसे लोग जो लोग कि अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हो, तो उनके बारे में तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल ने झाड़ू यात्रा के दौरान कानून तोड़ा या फिर केजरीवाल के गुजरात दौरे से वाकई डर गए मोदी। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24। तो ये तस्वीरें आपने देखी, दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें। बीजेपी मुख्यालय के भीतर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे, बाहर मुख्यालय के बाहर गेट पर गेट तोड़ने की कोशिश करते हुए, हंगामा करते हुए, भिड़ते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात में पाटन जिले की पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को उनकी झाड़ू यात्रा के दौरान रोका, ये कहकर कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हिरासत में लेने की खबर आई, लेकिन दो घंटे बाद पुलिस ने खंडन किया कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, उन्हें रोका गया क्योंकि आचार संहिता लागू हुई। इस पर बहस हो सकती है कि मोदी की पुलिस ने क्या मोदी के इशारे पर काम किया, क्या राजनीति से प्रेरित होकर केजरीवाल को रोका, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है, केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, गेट पर तोड़फोड़ की कोशिश की और बदले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पथराव किया, कुर्सियां फेंकी, ये राजनीति किस तरह की राजनीति है और क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? और अगर वहां पत्थरबाजी के दौरान, नारेबाजी के दौरान, हंगामे के दौरान कुछ अप्रिय घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आपको बता दें कि केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को एक मैसेज भेजा गया था, वो मैसेज मेरे पास है, SMS, क्योंकि SMS की नेटवर्किंग में आम आदमी पार्टी बहुत मास्टर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक SMS भेजा गया था, नेताओं को भी, खासतौर से उम्मीदवारों को। उस SMS में लिखा है, गुजरात में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के विरोध में सभी कैंडिडेट्स अपने वॉलंटियर के साथ 5:30 बजे बीजेपी हेड ऑफिस 11 अशोक रोड पहुंचे, नियरेस्ट मेट्रो पटेल चौक। सवाल उठता है, इस तरह की अपील करके अगर दिल्ली के सभी कैंडिडेट्स को अपने वॉलंटियर के साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचने को कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है? ये किस तरह की राजनीति है और क्यों नहीं इस राजनीति पर सवाल उठने चाहिए? आप विरोध प्रदर्शन के कई तरीके अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन क्या यह भी एक तरीका है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप सिंह, वरिष्ठ जर्नलिस्ट, मुकेश नायक होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, सौरभ भारद्वाज युवा नेता है, आम आदमी पार्टी के मंत्री भी रहे केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में, विजय गुप्ता बीजेपी की तरफ से। सौरभ भारद्वाज, थोड़े तल्ख सवाल, ये किस तरह का विरोध है? तस्वीरें हम देख रहे हैं दोनों तरफ से, आपकी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता बीजेपी के गेट के ऊपर चढ़े हुए, अंदर से भी कुर्सी और पत्थर चल रही है, दोनों तरफ से टकराव, ये किस तरह का विरोध है? सौरभ, आपने लोगों को जमा किया, लोगों को मोटिवेट किया कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंचो, उनका भी अपना सेल्फ डिफेंस कहें या जो भी उनको तर्क, बीजेपी के लोग इसका तर्क दें, लेकिन ये विरोध है, ये सही है? सौरभ जी, जी जैसे आप 49 दिन की हमारी सरकार का के दौरान अगर याद करें तो कई बार बीजेपी और कांग्रेस के मित्रों ने प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया, नारे लगाए, जिस तरह से गेट पे चढ़े, ऐसे खूब चढ़े, विजय गोयल जी भी चढ़े, फिर उनको अरेस्ट किया गया, फिर वो चले गए, डिटेन किया गया, ये सब होता रहा है। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने अंदर से पथराव करना शुरू कर दें, कुर्सियां फेंकें, गमले फेंकें, ये चीज तो हमने पहले। सौरभ, तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे, सौरभ माफ करें,
जब आप तर्क करते हैं ना कि फलाने डकैती की, हमने तो चोरी की, ये तर्क सही नहीं होता। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीर बीजेपी के गेट का है, बीजेपी दफ्तर जो 11 अशोका रोड है उसके गेट की तस्वीर है। बाहर आपके कार्यकर्ता हैं, भीतर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दोनों तरफ से पत्थर और ईंट पत्थर चल रहे हैं। हमारे संवाददाता भी मौजूद थे। मैं सिर्फ सीधा सवाल आपसे ये पूछता हूं, आपने अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज जो मैंने पढ़कर सुनाया, हमारे पास वो मैसेज है, भेजा गया सारे नेता वॉलंटियर्स के साथ पहुंचा, कैंडिडेट पर्टिकुलर, तो ये सवाल उठता है सौरभ कि अगर वहां कुछ होता, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर दोनों तरफ से उग्र कार्यकर्ता भिड़ते, लाठियां चलती, कुछ अप्रिय घटना होती, तो जिम्मेदार आप होते, केजरीवाल होते, कौन होता, ये बताएं जरा। मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी या इससे पहले हम अन्ना के आंदोलन से जुड़े रहे, कितने प्रोटेस्ट हुए कांग्रेस के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ। हाँ, एक बात जो देखी गई, इन सब प्रोटेस्ट के अंदर कभी इस तरह की हरकत नहीं हुई, ना पथराव हुआ, ना लाठीचार्ज वगैरह हुई, पर पथराव कभी नहीं हुआ। हाँ, ये पहला मौका था जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया और नतीजा उसका देखिए। नहीं नहीं, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं सौरभ, नहीं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। प्रोटेस्ट आप जंतर मंतर पर कर सकते, प्रोटेस्ट आप कहीं भी कर, किसी के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करें 500,000 लोगों को लेकर और कहें प्रोटेस्ट है, फिर तो जो जो गेट के भीतर है वो कहेगा हम सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर रहे थे, चाहे कुर्सियां फेंक रहे थे, चाहे ईंट पत्थर फेंक रहे थे सौरभ। और आप तो अन्ना के अनशन की राजनीति से आया, जिसको गांधीवादी राजनीति के गर्व से आपकी पार्टी निकली। मैं आपको बताऊं, जी 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 अंजुम साहब, मैं आपको बताऊं, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे पुलिस मुख्यालय के बाहर भी आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे, किसी भी पार्टी के हों, तो इस तरीके की एक होती है पोस्टरिंग होती है, एक पार्टीज में होती है कि वो गेट पे चढ़ जाते हैं, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि मुख्यालय के अंदर घुस जाएगा तो वो पुलिस कमिश्नर कोई गोली मार देगा अंदर। ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है, तो ये पोस्टरिंग है, तो ये पोस्टरिंग है, ये पोस्टरिंग है सौरभ, ये पोस्टरिंग है, क्योंकि आप मोदी से, नरेंद्र मोदी से सींग लड़ाकर, नरेंद्र मोदी से टकराव का ये रास्ता अख्तियार कर आप कहीं लाइमलाइट में आना चाहते, पोस्टरिंग है आप, ये करें पोस्टरिंग है। एक मिनट सौरभ, उसी पोस्टरिंग में अगर उग्र हो जाते बीजेपी के कार्यकर्ता जो हुए और आपके भी थे, और अगर उस उग्र कार्यकर्ताओं में टकराव होता, और हमने देखा है कुछ लोगों को चोटें लगी है, माथे से खून बहते हुए तस्वीरें भी देखी, अभी आशुतोष का ट्वीट किया, आशुतोष की खबर आई है कि मुझे चोटें आई, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं को चोटें आई, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? हालांकि सौरभ मैं आपके पास आऊंगा, एक बार मैं रिएक्शन लेता हूं प्रदीप सिंह, उसके बाद विजय गुप्ता आपके पास आऊंगा, इस तस्वीर को हम क्या कहेंगे, ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, खास तौर से सौरभ जो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपने को बीजेपी और कांग्रेस से अलग बताती है, वो बताती है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर इन पार्टियों से भिन्न है। तो अगर आप उसी स्तर पर उतर रहे हैं और तुलना में आपको कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के लोग भी ऐसा करते हैं, बीजेपी के लोग भी ऐसा करते हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हैं? एक बात। दूसरा, आपको पूरा अधिकार है जनतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का। आप बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना दे सकते हैं, आप बीजेपी दफ्तर के बाहर आप नारेबाजी कर सकते थे, किसी और जगह पे कर सकते थे, लेकिन जिस तरह का काम किया है आपके कार्यकर्ताओं ने, वो बिल्कुल अराजकता से कम कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसको अराजकता कहा जा सकता है, और इसका मकसद है कि गुजरात गए हैं अरविंद केजरीवाल, वहां से खबर नहीं बन रही है, तो लाइमलाइट में उस दौरे को लाना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा करो कि उससे ज्यादा लोगों की नजर जाए। प्रदीप सिंह ने जो एक बात कही बहुत अहम है, मैं विजय गुप्ता और मुकेश नायक आपके पास आऊं, उससे पहले सौरभ, हमें अभी अभी खबर मिली है, खबर ये आ रही है सौरभ कि लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। सवाल ये होता है, ये भिड़ंत, इसको आप क्या इन्वाइट नहीं कर रहे इस तरह की हरकतों से? ये भिड़ंत कौन सी चुनावी राजनीति है सौरभ? जी, मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा है, मैंने अपने इलाके में कैंपेनिंग की है, और ये मैं हर जगह बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं, जब भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत होती है, बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे मुझे वो पार्क में मिले, मोहल्ले में मिले, वो काफी उग्र होते हैं और काफी ज्यादा तिलमिला जाते हैं अगर मोदी के बारे में या इस तरीके की बात की। लेकिन तब केजरीवाल के बारे में सुनकर, सौरभ हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लखनऊ का है, बीजेपी दफ्तर के बाहर ये भिड़ंत हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फुल फ्रेम में, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े, और ये बीजेपी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, मेरे ख्याल से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े हैं, वहाँ लाठियां चल रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, शुरुआत तब हुई जब दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की तरफ से अपील की गई एसएमएस के जरिए कि जितने उम्मीदवार है वॉलंटियर्स के साथ पहुंचे और उसके बाद दिल्ली बीजेपी के दफ्तर बीजेपी के मुख्यालय के बाहर भिड़न। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। सवाल ये उठता है दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, लखनऊ में भी फिर बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। दिल्ली में तो चलिए बहुत कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन लखनऊ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लाठियां चल रही है। सौरभ, मुझे लगता है ये चिंता की बात और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। आपको अपील करनी चाहिए कार्यकर्ताओं से सौरभ भारद्वाज कि आप विरोध प्रदर्शन इस तरीके से ना करें कि किसी के घर पे पहुंचे, किसी के दफ्तर पे पहुंचे, और अगर उसमें दोनों तरफ से ऐसी कार्रवाई हुई तो पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। और आप लोग कभी अपने को माफ नहीं कर पाएंगे सौरभ। सौरभ भारद्वाज, हाँ, आपको माइलेज मिल सकता है कि मोदी को आपने ललकारा इस ढंग से, आपको मीडिया में 3 दिन रहने का माइलेज जरूर मिल सकता है सौरभ। इस बात से बिल्कुल आपके एग्री करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्रोटेस्ट करें, मगर वो पीसफुल करें। देखिए, हमारे 2.5 साल का इतिहास रहा कि हमने सारे प्रोटेस्ट पीसफुल किए और इसी कारण हम आज एक सक्सेसफुल फोर्स बने, पॉलिटिकल फोर्स बने। मुझे लगता है हमें पीसफुल प्रोटेस्ट ही करने चाहिए। और इसके अलावा बीजेपी नेताओं के पास चले, उससे पहले दर्शकों को बता दें जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में पहले झड़प हुई, दिल्ली में ईंट पत्थर चले और उसके बाद दूसरी तस्वीर लखनऊ से आई, जब लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। ये राजनीति के नए किस्म की राजनीति है और इस राजनीति का अंजाम खूनी भी हो सकता है। शुरुआत अगर दिल्ली और लखनऊ से इस तरह से होती है तो विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी भी प्रतिक्रिया, बीजेपी दफ्तर के भीतर से भी नेताओं की मौजूदगी में कुर्सियां और ईंट पत्थर फेंके जा रहे थे, मुझे लगता है वहां भी कहीं न कहीं आप भी उस उकसावे में आकर या उकसा कर कहीं न कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश थी। विजय गुप्ता, अजीत जी, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, यानी कि चुनाव के प्रचार का आगाज आज विधिवत रूप से हुआ और इन्होंने वायलेंस और एनार्की से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है, इनका लोकतंत्र में शायद विश्वास नहीं है। जो चीज बैलेट से डिसाइड होनी है वो ये बुलेट से डिसाइड कर रहे हैं। अगर ये किसी राजनीतिक दल के दफ्तर पर जाकर पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और हजारों की भीड़ जाकर के दफ्तर में उपस्थित कर्मचारियों पर अटैक करने की, नेताओं को मारने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश के सामने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस तरह की घटनाओं की सबको खुले रूप से निंदा करनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के दफ्तर के भीतर से भी, विजय गुप्ता, आपकी पार्टी के दफ्तर के भीतर से भी दिल्ली में 11 अशोक रोड के भीतर से भी कुर्सियां फेंकी गई, ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी है विजय गुप्ता जी। तो यहाँ हमाम में दोनों नंगे। अजीत जी, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, अजीत जी आपने खुद बोला अभी कि उन्होंने SMS करके हजारों लोगों को बीजेपी के कार्यालय में घुसने का आह्वान किया है और हमारी पार्टी की तरफ से ना कोई प्लानिंग थी ना हमारी कोई योजना, और कार्यालय का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। जो थोड़े बहुत लोग अंदर थे वो रह गए और उनके अंदर एक पैनिक हो गया कि हमको जान से मारने के लिए हजारों लोगों की भीड़ अंदर घुसने के लिए तत्पर है, और पुलिस भी उनको काबू नहीं कर रही थी क्योंकि वो खुद इनके नेता हमारी पार्टी के गेट पर खड़े हो गए थे, अंदर कूदने की तैयारी कर रहे थे। तो सेल्फ डिफेंस में एक पैनिक में पैनिक बटन जब दब जाता और लगता है कि जान से मार देंगे, हमको भीड़ कुचल देगी आकर के, तो हो सकता है उस डिफेंस में कोई प्रतिक्रिया हुई हो। चलिए विजय गुप्ता, आपकी बात सुन ली मैंने, एक बार मुकेश नायक से समझते। मुकेश नायक, वैसे युवा कांग्रेस, किसी जमाने में जब युवा कांग्रेस और NSY का प्रदर्शन होता था, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक से एक उत्तेजक उग्र प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं टेलीविजन पर, दो तरह की तस्वीरें, अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की तस्वीर है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और उसके बाद भिड़ंत की तस्वीरें, किसी ने गर्दन पकड़ रखी है, कोई लाठी चल रही है, हो सकता है इसमें 2-4-10 लोगों को चोटें भी आई हो, और उसके बाद दिल्ली की तस्वीरें हमने दिखाई। मुकेश नायक, कैसे देखते हैं आप, ये तो बहुत खतरनाक संकेत है आने वाले समय में। देखिए, पार्टी कार्यालयों पर प्रदर्शन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना था तो उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के बंगले के सामने गुजरात में करना था, दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने करना था,
कांग्रेस के लोग जब प्रदर्शन करते थे तो विधानसभाएं घेरते थे, राजभवन तक जाते थे, अपने ढंग से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार प्रदर्शन करते थे। लेकिन अजीत अंजुम जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है गुजरात में, ये अजीत मोदी के तानाशाही पूर्ण रवैये को दर्शाती है। अगर उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया भी था तो निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक जो खर्चा आता उसकी उनकी रैली पर, उनके उनके दौरे पर, वो पार्टी के खर्चे में डालना चाहिए था, क्योंकि एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, नहीं लड़ रहा था। इसको गिरफ्तारी मत करिए, ये डिटेंशन था इलेक्शन कमीशन के आदेश से। क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, पुलिस और प्रशासन इलेक्शन कमीशन के तत्वाधान में काम करते हैं, और उस समय कोई सरकार में बैठा हुआ मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, वो तब उनके अधिकार से चीजें, विजय गुप्ता जी उसका लुफ्त आपसे बात करेंगे कि कितना तत्वावधान में काम करते हैं, और पुलिस कैसे मुस्तैद हो गई कि 10 बजे साढ़े 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी त्वरित कार्यवाही गुजरात पुलिस ने की, उस पर हम बात करेंगे। विजय गुप्ता जी, जितना आसान आप कर रहे सिर्फ उतना नहीं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बार मुकेश नायक को सुन लेते हैं, उस पहलू पर भी बात करेंगे। विजय गुप्ता जी, मुकेश नायक, मैं पूरी तरह आपके हर सवाल को वेलकम करता हूं जी। मैं आऊंगा आपके पास मुकेश नायक, चूंकि मोदी की पुलिस में चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को हिरासत में लिया पाटन में, और मोदी आपके भी निशाने पर है, इसलिए आप आज केजरीवाल के साथ हैं उस मुद्दे पर कम से कम। देखिए, मैंने तो पहले कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने जो दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, तरीका गलत है। अगर उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए था दिल्ली में, तो गुजरात भवन के सामने करना चाहिए था, गुजरात के मुख्यमंत्री के बंगले के सामने करना चाहिए था, गुजरात के राजभवन के सामने करना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग इतने नियम और कायदे कानून को मानने वाले हो गए कि दोपहर में 12 बजे आचार संहिता लगी और इन्होंने दोपहर के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इतनी भी उदारता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मर्यादा इनके अंदर नहीं है कि थोड़ा एक दो घंटे का इंतजार कर लेते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट हो गया, मैं जवाब लेता हूँ, समझ गया आपकी बात, जवाब लेता हूँ। एक प्रश्न मुझे करना। जी 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 जी, जल्दी। मैं उनसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि गुजरात में मद्य निषेध है, 6,000 करोड़ की दारू गांव गांव में बिक रही है, रात में 2 बजे कोई शराब मांगे तो उपलब्ध है, तब इनका नियम कहां चला जाता है? क्योंकि उसी शराब की बिक्री से ये सवाल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। सौरभ आप खुश होइए, तब इनका नियम, सौरभ भारद्वाज आप खुश होइए कि आपकी तरफदारी कांग्रेस नेता भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से सवाल पूछे। विजय गुप्ता आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सौरभ के पास हूँ। विजय गुप्ता, मोदी की पुलिस ने जितनी त्वरित कार्रवाई की, पहली बात तो देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मिनट को, वो भी उनको ये बताने के लिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत भेजे, अपनी कंप्लेन करें। दूसरा, मुझे साफ रूप से लगता है इस पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के ये षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर दफ्तर के अंदर पुलिस का, आम आदमी के कार्यकर्ताओं का घुसना और धावा बोलना और पुलिस द्वारा उसको ना रोकना, पुलिस इसमें जवाब लेते हैं। सौरभ, मैं प्रदीप जी आपके पास जाऊंगा, लेकिन सौरभ भारद्वाज, ठीक है, समझ गया। सौरभ भारद्वाज, मोदी की पुलिस पर इल्जाम अपनी जगह है, लेकिन सौरभ एक सवाल ये भी है कि आप झाड़ू यात्रा का ऐलान पहले किया था केजरीवाल की तरफ से, ये राजनीतिक एक प्रोसेशन है, यात्रा है। अब अचानक अगर वहां आशुतोष, जब कुछ जो कुछ हुआ आचार संहिता के बाद, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता था जब आपने ऐलान किया था कि आज 10:30 बजे आचार संहिता लागू होगी, तब अचानक आशुतोष की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि स्टडी टूर है। प्रशांत भूषण कहते हैं स्टडी टूर के लिए गए थे गुजरात के मॉडल को समझने के लिए। ये स्टडी टूर क्यों आप कर रहे हैं? आप कहिए कि आप झाड़ू यात्रा पर गए, और अगर स्टडी टूर था तो आपको 10 दिन पहले ऐलान करना चाहिए था कि हम स्टडी टूर के लिए जा रहे हैं 25 गाड़ियों के काफिले के साथ। जी, मैं आपको एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, काफी बात हो रही है आचार संहिता के बारे में बात हो रही है, मैं एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। बीजेपी का मुख्यालय है जिसको अभी टेलीविजन में बहुत दिखाया गया, उसके बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं मोदी जी के, राजनाथ जी सिंह। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उस पर हम बात करेंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। स्टडी टूर क्यों कर रहे हैं आप?
झाड़ू यात्रा जो आपकी राजनीतिक यात्रा है उसको समझता है, क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो उन्होंने सोचा कि इसको अब स्टडी टूर में अच्छा कर देते हैं। तो सारे दस के पहले वो झाड़ू यात्रा राजनीतिक यात्रा थी, सारे दस में जैसे ही दिल्ली में आप लोगों का कंडक्ट लागू हुआ उसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्टडी टूर में। आपके हमें नहीं मालूम था कि वो लीडर एनडीए, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि वो आचार संहिता आने वाली है। अच्छा चलिए, ये तो एक नए किस्म की हिपोक्रेसी है सौरभ। मैं आपको इसमें सौरभ भारद्वाज इसमें एक तरह से मैं इसको कहूंगा, इसके लिए कौन सा शब्द हो, क्या आप जो कह रहे हो उसमें आप फंस रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि झाड़ू यात्रा राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था, जैसे ही आचार संहिता लगी तो आप सबने अब कहना शुरू कर दिया, इकरार गलाना शुरू किया कि स्टडी टूर है प्रशांत भूषण से आशुतोष तक। नहीं, उसका फॉर्मेट बदल दिया। अजीत राम साहब देखिए, आचार संहिता कब आने वाली थी हमें भी नहीं मालूम था। अगर आचार संहिता आ गई और आपने एक चीज प्लान अप कर रखी है तो आप उसका फॉर्मेट बदल दें। बहुत दिलचस्प, उसके अंदर कोई ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।